भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने और मेरे विधानसभा के सभी सहयोगी विधायकों ने जो विश्वास मुझ में प्रकट किया है, मैं उनके इस विश्वास के साथ राजस्थान की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष है। जितना सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है उतना प्रतिपक्ष भी जिम्मेदार है। मैं प्रतिपक्ष की उस सारी जिम्मेदारी को अपने सभी साथियों का सहयोग लेकर एक तरह से उनको मैं अपना सहयोगी नहीं अपना ही साथी मान करके और उनसे विधानसभा के फ्लोर पर भी और जनता के मैदान में भी जो भी जनता से जुड़ी हुई समस्या होगी उसको मैं बखूबी अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण राजस्थान के कार्यकर्ता मेरे चुने हुए सारे विधायक केंद्रीय नेतृत्व इन सब का एक तरह से सहयोग लेकर के इस जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता से पूरी ताकत से और ईमानदारी से निभाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी राष्ट्रीय विचार को लेकर के बनी है, केवल और केवल सरकार चलाने के लिए नहीं बनी। जब हम सरकार में नहीं थे तब भी इस देश की हर समस्या को, चाहे सीमा पर किसी प्रकार का घुटपेश हो, चाहे महंगाई का कारण हो, चाहे जो जो समस्याएं अब तक आई है, हमने हर में देश की जनता की हर समस्या को, चाहे इमरजेंसी आई चाहे कुछ भी हो, उसका मुकाबला हमने बखूबी किया है। हमारा जो मेन बिंदु हो वह देश है और देश की इस महान परंपराओं को जिंदा रखना ये हमने बचपन से सीखा है और मेरे साथियों ने जो मुझ पर वजन डाला है और जो मुझ पर जिम्मेदारी दी है, मैं सबको साथ लेकर के जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। जनता का भी मैं बहुत एक तरह से उनका आशीर्वाद चाहूंगा, प्रभु से भी एक आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं जनता के एक जनसेवक के रूप में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में उसके हर सुख दुख में मैं मुस्तैदी के साथ खड़ा रह करके राजस्थान की महान गौरव को ध्यान में रखते हुए, इसकी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों से भी प्रार्थना है कि मेरे सकारात्मक हर विषय को आप उतनी तवज्जो दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप और मैं जो कुछ भी हैं वो देश के लिए हैं। देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित और मैं सुरक्षित, और देश अगर डावाडोल होता है तो हम सबको उसका एहसास होगा। मैं सोचता हूँ हमारी जो केंद्र बिंदु के और जो देश का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे, लोकतंत्र को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, राजस्थान की विधानसभा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे प्रतिपक्ष के रूप में हम अपनी भूमिका को निभाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो क्या देश की सुरक्षा पे कोई खतरा है, क्या लग रहा है? खतरा तो आप और हम सब महसूस कर रहे हैं, इतने समय तक जो है ना देश के अंदर जिस प्रकार के लोग देशद्रोहियों ने कहीं बम फटक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ जिद्दार हो रहा है, तो उन सब ये तो अंदर की बातें हैं और देश की सीमाओं को तो आपने और मैंने 50 साल में देखा है, क्या स्थिति थी, क्या स्थिति आज है और कौन है जो इस देश को इस प्रकार से तोड़ने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं, देशद्रोहियों को पनाह देने वाले लोग कौन हैं, कौन सी वो जगह है जहां आकर के ये आश्रय लेते हैं और इस देश को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कुछ बोलना जानते हैं और कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं, दोनों के बीच में इतना ही अंतर। देश को तोड़ रहे हैं सर लोग, आपकी सरकार है 4 साल से केंद्र में वो है, फिर मैं सोचता हूँ आज आपको ये महसूस नहीं हो रहा है क्या? आप कॉमन आदमी को 10 को टेलीफोन लगा करो आज सीमाएं ज्यादा सुरक्षित है या, मैं तो कह रहा हूँ आज सीमाएं ज्यादा सुरक्षित है या आज से पहले थी? आज देश में जो जिस प्रकार की घटनाएं होती है उन पर कुछ अंकुश है, 100% नहीं रुकी होगी, लेकिन अंकुश तो बम तो नहीं फटाना 4 साल में कहीं बस में। धन्यवाद। कोई विवाद नहीं है, जो बात है ये लव जिहाद मैं नहीं कहता हूँ, सारा हिंदुस्तान नहीं कहता है, न्यायालय कहते हैं
और अभी तो आपने कल परसों की बाड़मेर की घटना को भी सुना है, सच को अगर आप सब लोग कहना सीख जाओ तो देश का भलाई होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।